Assalamu alaikum you all, this is Husna and welcome to my channel. I hope you all are doing good, alhamdulillah, even I am good. So, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बनाएंगे मसालेदार स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि नूडल्स बॉयल कर लिए हैं और उसको ना स्ट्रेनर में काट लिया है और उसके ऊपर से एक या दो ग्लास पानी मैंने ठंडा पानी डाल दिया ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए. और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल और इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियंस, कटी हुई ऑनियंस. मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ दिस इज़ इंडियन स्टाइल नूडल्स, ये इटालियन स्टाइल नहीं है. बहुत सारे मसाले पड़ने वाले हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पर ऑनियंस को ऐड कर लिया. अब ऐड करने वाली हूँ बीन्स और कैरेट्स को पतली काट कर मैंने ऐड कर लिया. इसको थोड़ा पका लेंगे क्योंकि इसमें पकने में थोड़ा टाइम लगता है. इनको दो तीन बार स्टर करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे. तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थिनली स्लाइस्ड कैप्सिकम एंड श्रेडेड कैबेज. इसको भी अच्छे से मिला लेंगे. और इधर हम मैं ऐड कर रही हूँ एक टीस्पून चिल्ली पाउडर एंड एक टीस्पून पेपर पाउडर. इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैजिक मसाला पैकेट मैगी का, ये ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 or 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पीस. और यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और एक चम्मच सोया सॉस इसके साथ ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा केचप, इसको अच्छे से मिला लेंगे. अब ऐड करेंगे जो बॉइल किया हुआ नूडल्स था. यहाँ पर मिलाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो अगर आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप 2 चम्मच लेकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं. तो मिक्स करने के बाद स्टोव पर रखकर इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए इस तरीके से. तो गाइस नूडल्स बनके तैयार है, अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था. अब ये मैं सर्व कर रही हूँ. सबको बहुत पसंद आए थे और बहुत यम्मी थे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स. आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू वीडियो. अल्लाह हाफिज़.